हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपके प्यार का दुश्मन, आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में कौन है जो ऑब्स्टेकल्स बना रहा है, कौन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ रहो, कौन आप दोनों को एक साथ खुश नहीं देख रहा या देखना चाहता, तो कौन बेसिकली आप दोनों के प्यार का दुश्मन है, इसके ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। थोड़ी अलग सी रीडिंग कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो कि मैंने ऐसे टॉपिक पे कभी रीडिंग की है या नहीं। मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, डोंट वरी। ओके, तो मुझे नहीं पता मैंने ऐसे टॉपिक पे इसके पहले हमारे चैनल पे ऐसी रीडिंग की है या नहीं की है, बट मैं लिटरली जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं और कई सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कपल के बीच में नहीं होते, बाहर के लोग उसको दे ब्रिंग इन दैट एनर्जी कपल के बीच में। तो उसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इस रीडिंग में मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगी कि क्या आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर या आप दोनों के रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिव एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या कोई करने की कोशिश कर रहा है लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह कोई अगर करने की कोशिश कर रहा है, ये भी देखेंगे। और मैं ब्लैक मैजिक स्पेशली एक वीडियो भी लाऊंगी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके ऊपर या आपके क्लोज्ड वंस के ऊपर क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि किसने किया है, बट डेफिनेटली मैं उनकी एनर्जीज रीड कर पाऊंगी कि वो किस तरह के इंसान है, तो आप एक आइडिया लगा सको। बट ये जो रीडिंग्स होती है प्लीज़ आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लिए और एक गाइडेंस की तरह लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड कोई डिसीजंस मत लीजिए, ठीक है? ये बस आपको एक एंटरटेनमेंट और गाइडेंस प्लस गाइडेंस की तरह आप इसको लिया करें, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ पे दो कार्ड्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं कि क्या, कौन है आपके प्यार का दुश्मन, कौन है जो आपको एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहता, ठीक है? तो ये पाइल नंबर वन होगा, ये कार्ड नंबर टू होगा, आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, लेट्स फोकस ऑन इट। आई होप आपको दिख गया होगा दोनों ही कार्ड्स, इन्हीं कार्ड्स में से आपको आपका ऑप्शन चूज़ करना है, नंबर वन, नंबर टू, और टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, फ्री है, उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट करना और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करिए, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट, वीडियो, अपडेट, जो भी हेल्पफुल कॉन्टेंट डालूँ आपको वो आप उसको देख पाओ, मिस ना करो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे और दो चैनल्स भी, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स हैं, क्लिक करके आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज या एवरीडे रीडिंग्स आती है, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी जिन्होंने कार्ड नंबर वन यानी कि हाई प्रीस्टेस ये कार्ड चूज़ किया है, कौन है आपके प्यार का दुश्मन। हेलो गाइस, वेलकम। कार्ड नंबर वन यानी हाई प्रीस्टेस ये कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि कौन है वो आपके प्यार का दुश्मन जो नहीं चाहता कि आप और आपके पार्टनर एक साथ रहो, या क्या ऑब्स्टेकल्स है ओवरऑल ही आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये देखने की कोशिश करते हैं। कौन है जिसे नहीं पसंद हो, आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, या कौन है आप दोनों के दुश्मन, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ। सो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बारीकी से बताती हूँ, तो मैं नहीं चाहती आप कोई भी चीज़ें मिस करो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ नंबर वन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसने कौन है दुश्मन, बट ये भी देखेंगे कि क्यों, वाई दे वॉन्ट, क्यों वो इतनी नेगेटिविटी आपके दोनों के अंदर भेज रहे हैं, या वाई दे आर मेकिंग दिस रिलेशनशिप सो हार्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेगिटेरियस। ये उस पर्सन की साइन भी हो सकती है, ठीक है? ये एट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन, पाइल नंबर वन, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन? आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस प्लीज, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आई वॉन्ट फोर कार्ड्स मोर, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन, कौन है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता? आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, वी हैव ऑल द कार्ड्स, द हर्मिट,
एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक करना ही ज़रूरी नहीं होता है, उन लोगों की जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या जो नेगेटिविटी होती है वो भी काफ़ी होती है आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। ओके, मुझे बहुत आइडिया तो आ चुकी है ऑलरेडी, मैं समझ चुकी हूँ कि कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, ओके, मैं एक ब्रेसलेट की लिंक दूंगी और कई सारे ब्रेसलेट्स हैं आपके अलग अलग इश्यूज़ के लिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोवाइड कर दिए हैं और मैं करने वाली हूँ प्रोवाइड, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चले कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपका कौन, आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। यू नो, आपको हमेशा लेना नहीं पड़ता है जब तक वो अच्छा है, सही है। देखिए अभी फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज़ का, अभी इसमें ना तो कोई छेद है ना तो कोई टूटा है कहीं से, तो ये ओके है, आई कैन वेयर इट एनी टाइम आई वॉन्ट, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड में मोस्ट प्रोबेबली पहने जाते हैं क्योंकि हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, राइट। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से, कि मैं बहुत सारे आपके अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर आपको ब्रेसलेट के लिंक्स दिया करूँगी, रेकी क्रिस्टल्स होंगे और सर्टिफाइड होंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि यू नो छूटा है या फेक है या फ्रॉड है, टेंशन मत लीजिए। मैं खुद भी वहाँ से ही बाय करती हूँ, तो कुछ दिनों में तो मैं खुद ही शुरू करने वाली हूँ ताकि हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट हो पाए। मैं आपको बहुत सारे ब्रेसलेट्स सेल करने वाली हूँ, आप ले सकते हो अपने अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिए। ऑल्सो स्पेशली फॉर द नेगेटिव एनर्जी इन योर रिलेशनशिप और विद योर लव्ड वन, आप अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, सबको वो ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हो, खुद भी पहन सकते हो, अपने पार्टनर को भी दे सकते हो, ताकि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी ना हार्म करे या कोई लोग अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर ना डाले, ठीक है। तो फर्स्ट कमेंट में वो वाली लिंक मिल जाएगी और बाकी लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपके प्यार का दुश्मन, इट कैन बी योर एक्स या फिर आपके पर्सन के एक्स, ओके, किसी के साथ मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है इन द पास्ट, आपने उनको हर्ट किया या जो भी सिचुएशन हुई जिसके कारण आप दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ा। मुझे काफ़ी नेगेटिव और यू नो रिसेंटफुल एनर्जी फील हो रही है। दिस कैन बी समवन जिनके साथ एक तो आपका रिश्ता इन पास्ट ख़त्म हुआ है या आपके पर्सन का रिश्ता इन द पास्ट ख़त्म हुआ था। दिस इज़ अ एक्स, ओके, ये कोई एक्स है जिसकी एनर्जी आप दोनों को अफेक्ट कर रही है, अगर आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो, या इट कैन हैपन इन फ्यूचर। पहली बात, ये पर्सन जो भी है, जो नहीं चाहते आप दोनों एक साथ हो, ये पर्सन चाहते हैं उनको कोई फाइनेंशियल गेन्स भी चाहिए हो सकते हैं आपसे या आपके पार्टनर से। मे बी इट कैन बी एन एक्स जो काफ़ी कोडिपेंडेंट है पैसों के लिए, मे बी आपके पार्टनर से जुड़े थे या आपसे जुड़े थे, एंड नाउ ऑल्सो वो चाहते हैं कि वो फ़ायदा उनको आपसे हो, वो पैसे उनको आपसे मिलते रहे। यू नो दे आर जेलस ऑफ यू बोथ, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर अभी आपके ऊपर स्पेंड करते पैसे या आप अपने पार्टनर पर स्पेंड करते हो पैसे। दैट इज़ द मोस्ट बिग इशू फॉर दिस पर्सन। ये चाहते हैं कि आप अपने करियर में आप पीछे रहो, ये जो भी वो पर्सन है जो भी आपके नेगेटिव सोचते हैं आप दोनों के बारे में और इस रिश्ते के बारे में, वो चाहते हैं कि आप नेगेटिव, आप फाइनेंशियली आप यू नो ब्रोक डाउन हो जाओ, आपके पास पैसे ना रहे, यू नो, सो दैट यू डोंट शेयर विद ईच अदर। वो जलते हैं कि आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हो, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, एक दूसरे को पैसे दे रहे होंगे, ऐसा उनको लगता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, आपके प्यार का दुश्मन आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। काफ़ी जगह पे मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी नेगेटिव सोचते हो या बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत सोचते हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ये आपकी हो सकती है सोच या फिर आपके पार्टनर की, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि हाँ ये आपकी सोच है या ये आपके पार्टनर की सोच है। कोई तो है यहाँ पे जो काफ़ी नेगेटिव सोच में रहता है, ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव कि शादी नहीं हो पाएगी, शादी हुई तो हमारा टिक नहीं पाएगा, या तो घर वाले ही नहीं मान पाएंगे, या ऐसा होगा या वैसा होगा, फलाना कुछ ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओके। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे,
समवन डेफिनेटली वांट्स फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम यू. कोई तो है, मे भी हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कलीग जिनके साथ आप शेयर करते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हो, वो भी जलते हैं. ओके, कोई तो है यहाँ पे जो नहीं देख पा रहे कि आप अपने पार्टनर पे स्पेंड कर रहे हो या आपके पार्टनर आप पे स्पेंड कर रहे हैं. ओके, सो फाइनेंसेस या पैसा यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर इशू है जिसकी वजह से ये पर्सन आप पे जलते हैं और नेगेटिविटी छोड़ते हैं. दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही, हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपको या इनको पसंद करता है. और क्योंकि आपके पर्सन और आप एक दूसरे से काफ़ी डेडिकेटेड हो या काफ़ी प्यार करते हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप दोनों कॉन्टैक्ट में हो या बात करते हो, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे ही आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, ये पर्सन आके आपको प्रपोज करे या आपके पर्सन को प्रपोज करे या यू नो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करे. सो समवन हु हैज़ इमोशनल फीलिंग्स या यू नो रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू और योर पर्सन, वो भी है जो काफ़ी नेगेटिविटी छोड़ता है आपको और आपके पर्सन को. समवन वॉन्ट्स टू सी दिस टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में. आप जब झगड़ते हो, आप जब प्रॉब्लम में होते हो, तब इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्स, आई टोल्ड यू, जिसके साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है आपका. ओके, दूसरी चीज़, कोई तो है जो आपके साथ पैचअप करना चाहता है. ये नया ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, ओल्ड पर्सन की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है. वाइफ हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है. वो भी काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं, वो भी नहीं चाहते आप दोनों एक साथ हो, ठीक है. उनको याद आती है जब वो आप एक दूसरे को साथ देखते हैं, उनको याद आती है आपके साथ स्पेंड किए हुए टाइम की, आपके साथ स्पेंड किया हुआ वक्त, वो प्यार, वो यू नो फिज़िकल एस्पेक्ट जो भी स्पेंड किए थे उन्होंने आपके साथ, दे मिस दैट. और वो काफ़ी नेगेटिविटी छोड़ते कि यार मैं इसके साथ नहीं हूँ, हाउ कैन शी बी सो हैप्पी और ही बी सो हैप्पी. ये और कोई ऐसा भी है आपके अराउंड, स्पेशली एट योर वर्क स्पेस, या जिसके साथ आप काम करते हो या स्टडी करते हो या कुछ करते हो, जो जिसका अपने लाइफ में अपनी खुद की ही लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है और वो आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ते हैं. आप उनको शायद बताते भी हो, यू नो यार ऐसा हुआ, हम दोनों का प्रॉब्लम हो गया, हम अभी बात नहीं करें, दे फील हैप्पी. तो प्लीज़ अपनी कोई भी बात, अपनी स्पेशली अपनी लव लाइफ की बात किसी से, स्पेशली एट ए वर्क स्पेस जो आपका फ्रेंड है, उसको शेयर मत कीजिए. ओके, ये कोई एज में बड़े भी हो सकते हैं आपसे, जो आपको देते वक्त सलाह देते हैं, आपको लगता है कि वाह भाई ये तो मुझे सलाह दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, बट दे आर समवन हु आर माइजर. ये थोड़े से मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ इंसान है, नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, अजीब तरह के इंसान है जो दिखाते कुछ, मतलब दिखाने के दांत अलग है, दिखा रहे हैं आपकी केयर कर रहे हैं, बट है रियलिटी में बहुत अजीब इंसान, ठीक है. सो प्लीज़ बी अवेयर, जो आपको सलाह देते हैं प्लीज़ अपनी बातें किसी से शेयर मत कीजिए. आई ऑल्सो सी किसी को आपने रिजेक्ट किया था या आपके पार्टनर ने रिजेक्ट किया था इन द पास्ट, यू नो यू ब्रोक देयर हार्ट, जिसका आपने दिल तोड़ दिया था इन द पास्ट. दैट कैन बी द पर्सन जो अभी नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो. ओके, दिस कैन इवन बी समवन बिजनेस पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आपके वर्क स्पेस में कोई तो है. आई थिंक आपको समझ में आ गया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है. कौन कौन हो सकता है मैंने आपको वो बताया, तो प्लीज़ उनसे अवेयर रहिए थोड़ा सा. स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि अपनी रिलेशनशिप की बातें प्लीज़ किसी से भी शेयर मत कीजिए, स्पेशली वर्क स्पेस में. कोई जो आपसे एज में बड़ा है और वो आपको दिखाता है कि मैं तो तुम्हारी केयर करता हूँ, प्लीज़ शेयर इट विथ मी, आई विल यू नो मैं कोई सोल्यूशन देता हूँ या देती हूँ, बट दे आर नॉट योर वेल विशर, वो आपके और आपके पर्सन का अच्छा नहीं सोचते. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. चलिए अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको खास ध्यान रखना है आपके रिश्ते को अच्छा करने के लिए. आपको इस सारे चीज़ों से तो बचना ही है, खुद को बचाना भी है, और वो ब्रेसलेट भी पहनी है जो मैं नीचे लिंक दूंगी फर्स्ट कमेंट में. बट उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं कहूँगी कि कीप योर पर्सनल लाइफ सीक्रेट. ओके, तो आपके लिए जो एडवाइस आई है, टेकिंग रिस्क, दिस आई थिंक
मुझे लगता है आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी, कोई डाउट है इस रिश्ते को लेकर, जिसके वजह से मे बी टूट जाने का रिश्ते का डर, या यू नो छोटी छोटी कुछ भी बात हो जाती है आप डरते हो, यू डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क इन दिस रिलेशनशिप, हर चीज़ से डरते हो, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ हो जाए यू गेट स्केयर्ड और योर पर्सन गेट स्केयर्ड, प्लीज़ ये मत होने दीजिए, ओके, फॉर दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव टिल द एंड, ओके। आई नो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, बट मैं लंबी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे रही हूँ कि मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँ, ज़्यादा फालतू की बातें मुझे नहीं करनी है रीडिंग के दौरान। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी आपको क्या एडवाइस, आपके लिए क्या एडवाइस है। फॉरगिवनेस, मुझे लगता है अगर आपको माफ़ी मांगनी है इस पर्सन से, अगर आपने कुछ सच्चे में गलत किया है आप उसको मानते हो तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। माफ़ कर देना इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप इस वक्त। वॉट मोर डू वी हैव, वॉट एफ, वॉट शुड यू डू फॉर दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव? फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। अड़के मत रहिए किसी चीज़ पे, यू नो, ईगो क्लैशेस मत होने दीजिए, माइंड गेम्स मत खेलिए, ईजी और सिंपल रखिए सिचुएशंस को, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपके पर्सन को भी प्रॉब्लम ना हो। मैं और एक ओरेकल से यूज़ करना चाहती हूँ, वेट अ मिनट, ओके, तो मैं एनर्जी ओरेकल को यूज़ करना चाहती थी। मैं और देखना चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली कौन है ये पर्सन, क्योंकि इसमें से काफ़ी ईजीली आई थिंक पता चल जा सकता है, आपको हिंट मिल सकती है कि कौन है आपके प्यार का दुश्मन। ओके, द गार्डन एंड द गेट, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, समवन जो आपके लिए एक तो वेट कर रहे हैं या आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, देयर एक्स योर एक्स हो सकता है, या फिर कोई जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था। वन मोर, आई वॉन्ट वन मोर, हु इज़ दिस पर्सन? ओके, हमारे पास दो, आई टोल्ड यू, समवन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या फिर जिनके साथ आप अच्छे समझ के, यू नो, वेल विशर समझ के उनके साथ रह रहे हो, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। योर कम्युनिटी, ओके, और लास्ट है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो दिस माइट बी मोस्ट प्रोबेबली, या तो अगर आप, यू नो, यू दिस इज़ ये रीडिंग आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड जो अभी भी उनमें इंटरेस्टेड है, ओके, और दिस माइट बी समवन जो आपको दिखाती है कि दिस इज़ योर फ्रेंड, और या फिर आप लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, ये मे बी आपकी कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जो बहुत पजेसिव है आपके लिए, आपके बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने तो ऐसा भी देखा, कई बार बेस्ट फ्रेंड्स भी जेलस होते हैं रिलेशनशिप में अगर हम होते हैं, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी, आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली है ज़रूर बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल हिलना ही मत, मतलब सब्सक्राइब करना ही करना है, ओके। सो या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ब्लैक मैजिक पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी, तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा ताकि वीडियो मिस ना हो, और हाँ, ब्रेसलेट ज़रूर चेक करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी कि ये द डेविल कार्ड चूज़ किया था, कौन है आपके प्यार का दुश्मन, उसके ऊपर ये रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ कुछ बातें मैच करे और कुछ बातें मैच ना करे। मैं आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी, या कौन वो लोग हैं जो जलते हैं आपके रिलेशनशिप से और नहीं चाहते आप दोनों का भला हो। सो एडवाइस होगी पूरे वीडियो में, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप करके, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है फिर। और एक चीज़ें मैं मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो काफ़ी मैंने अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग ब्रेसलेट्स की लिंक प्रोवाइड की है, जो आप अमेज़ॉन पे जाके परचेज कर सकते हो। सर्टिफाइड ब्रेसलेट्स है या क्रिस्टल्स है, रेकी क्रिस्टल्स है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मैंने लिख के दिया है, ताकि आपको ईजी हो, आपको समझ में आए कि अगर स्पेशली आपको करियर बूस्ट के लिए चाहिए या मोटिवेशन के लिए चाहिए तो कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। और जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहना है रोज क्वार्ट्ज का, मेरे लेफ्ट हैंड में पहना करिए ब्रेसलेट, ओके, और जब तक कोई क्रिस्टल टूट नहीं जाता है या ये स्ट्रिंग निकल के टूट नहीं जाती, वैसे तो जो मैं ब्रेसलेट की लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ टूटेगा नहीं, आई एम यूजिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड ये बिल्कुल टूटता नहीं है। आई हैव लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स, पता नहीं अभी कहीं पे रखती है मैंने, बहुत सारे हैं मेरे पास। आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगी, बहुत ही जल्द मैं खुद सेल करना शुरू करने वाली हूँ, जो कि एनर्जाइज्ड आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए
मैं एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स आपको सेंड करूँगी ताकि आप मुझसे भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहो और जो भी मैं रीडिंग्स करूँ आपको वो रेजोनेट हो और आपको गाइडेंस मिले और मैं आपकी एनर्जी रीड कर पाऊँ अच्छे से। और फर्स्ट कमेंट जो होगा हमारे इस वीडियो का उसमें मैं दूंगी स्पेशली आपके रिलेशनशिप पे या आप पे कोई बुरी नज़र रखा हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास, उसके लिए जो ब्रेसलेट दूंगी वो भी आपको लेफ्ट हैंड में पहनना। अगर आप खरीदना चाहते हो आपके लव्ड वंस के लिए भी गिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है, सो यू कैन बाय इट। सो इनफ ऑफ माई टॉक्स, अभी शुरू करते हैं, देखते कौन है आपके प्यार का दुश्मन, कौन है जो नहीं चाहता आप दोनों एक साथ रहो। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस, या आपके उस दुश्मन की साइन हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, या आपके पार्टनर की भी हो सकती है फॉर दैट मैटर, क्योंकि हम आपके पार्टनर के लिए भी रीड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द कर्मा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स। समथिंग इज कुकिंग हियर। लेट्स सी वॉट मोर, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन। गाइज, इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से या गाइडेंस के हिसाब से ही लिया करें, इसके ऊपर बेस्ड किसी के ऊपर एक्यूजेशंस मत लगाना शुरू कर देना, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, वॉट मोर डू वी हैव, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। आई वॉन्ट क्लियर मैसेजेस, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन, कौन है जो नहीं चाहता। ओके, यहाँ पे है द मून, पाइसिस, कौन है आप दोनों के प्यार का दुश्मन। लास्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्ट। ओके, सो मुझे पानी पीने दीजिए, मेरा गला सूख गया है। आई एम सीइंग द कार्ड्स, मैं देख रही हूँ। अगर टॉपिक वीडियो का पसंद आए लाइक ज़रूर करना। ओके, सो पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। एक तो आउट ऑनगोइंग कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ऑलरेडी आपके पर्सन या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में। देखिए, अब ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, तो मैं हर बार ये नहीं बोलूँगी कि या तो आप या तो आपके पर्सन, या तो आप या तो आपके पर्सन, आप समझ लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ। किसी के लिए भी हो सकता है, यू नो बेटर। अगर आपके लिए नहीं तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो ऑनगोइंग है अभी आपके लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप जानते हो कि हाँ भाई इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है या मेरे लाइफ में है, आप शादीशुदा हो सकते हो, वो शादीशुदा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज दिस इज थ्री ऑफ कप्स। ओके, वो हो सकता है पर्सन जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ हो। ओके, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ ट्राइड, बहुत बार ट्राई किया है आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने की कोशिश की है आप पे, बट उनको उनका कर्मा मिला है बार बार। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि दिस इज़ योर कर्मा और योर पर्सन्स कर्मा टू पुट यू, या तो आपने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में डाला इसीलिए ये कर्मा है, या तो आपके पर्सन ने कभी आपको थर्ड पार्टी में डाला या अभी डाला है तो वो उनका कर्मा है जो आपको आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है या नेगेटिविटी कर रहा है आपके दोनों के रिश्ते में। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, समझा। समवन हु इज़ अ सीक्रेट एडमायरर, जो आपको पसंद करता है या आपके पर्सन को पसंद करता है, वो भी हो सकता है जो काफ़ी दिल से चाहता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, आप लोग अलग हो जाओ, बट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक यू बोथ आर इन लव विथ ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो एंड इतना स्ट्रांग है आप दोनों का रिलेशनशिप कि कोई भी नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड यू शुड बिलीव टू। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, कोई तो है जो जिसको कॉन्फिडेंस है कि आप उनके हो सकते हो या आपके पार्टनर उनके हो सकते हैं। समवन आउट ऑफ द रिलेशनशिप, कोई थर्ड पर्सन है जो आपको पसंद करता है या आपके पर्सन को पसंद करता है, ये एक्स हो सकता है या नया पर्सन भी हो सकता है, या उनके कोई फ्रेंड या आपके कोई फ्रेंड में से है, यू नो, अगर आप लड़के हो तो कोई लड़का, या अगर वो लड़के जैसे आपके पार्टनर है तो उनकी कोई लड़की फ्रेंड, जो जिनको लगता है कि
इन लोगों का तो मैं ब्रेकअप करवा के ही रहूँगी या करवा के ही रहूँगा एंड आई विल गेट बैक टू देम. मतलब उनको लग रहा है कि उनको विक्ट्री मिलेगी ओके इन द यू नो आपके साथ रिश्ता बनाने में उनको आसानी होगी या फिर वो विक्टोरियस होने वाले हैं आपको मात देने में. आई एम ऑल्सो सीइंग मुझे कोई ब्लैक मैजिक एज सच नहीं दिखाई दे रहा है बट मे बी ये किसी बाबा वाबा के पास जाते हैं कोई पर्सन है जो जो जलते हैं आपके रिलेशनशिप से. हो सकता है कोई आपके एक्स हो या उनके एक्स हो ये वो तो किसी ढोंगी बाबा वाबा के पास जाते हैं और चाहते मतलब उनसे ट्राई करवाते हैं टू गेट यू अपार्ट. ठीक है और मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन जिन जिस जिस बाबा बाबा के पास जाते हैं वो बाबा भी कोई जेन्युइन है. मुझे नहीं लगता ढोंगी बाबा ही लग रहा है मुझे जिसको कुछ आना नहीं है ना तो उसको कुछ आता है ना जाता है उसको खुद का कुछ पता नहीं है. वो बस पैसे ऐंठ रहा है आपके पर्सन से एंड आप उस पर्सन को ऐसा एहसास दिला रहा है कि हाँ इनका ब्रेकअप हो जाएगा एक ना एक टाइम पे. बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग. आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है. दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ दिस इज़ समवन जिनके साथ मे बी आपका झगड़ा हुआ था बहुत करारा वाला या आपके पर्सन का झगड़ा हुआ था या आप दोनों ने किसी से झगड़ा किया था ओके और ये कोई भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनालिटी है. ठीक है इट कैन बी एन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. ये पर्सन हमेशा तलवार लेके बैठे रहते हैं लड़ाई झगड़ा करने में ही इनका यू नो पूरा लाइफ बीत रहा है और उनके भी तलवार की नोक पे आप दोनों हो और आप दोनों का रिश्ता है वो भी काफ़ी नेगेटिविटी भेजते हैं आप दोनों के रिश्ते में. डेफिनेटली अ सीक्रेट एडमायरर. ठीक है और एक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मे बी आपने किसी को रिजेक्ट किया था या आपके पर्सन ने किसी को रिजेक्ट किया था वो भी है जो अपने पैशन को दबा रहा है काफ़ी टाइम से एंड ऑल्सो हैज़ नेगेटिव वाइब्रेशंस टूवर्ड्स यू ऑल्सो सेंड्स नेगेटिव वाइब्स टूवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन और योर रिलेशनशिप जिसके लिए बहुत मुश्किल है हो रहा है आपसे दूर रहना या यू नो आपको भुलाना. किसी केसेस में फैमिली भी हो सकती है ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी फैमिली ऑल्सो. रोमांटिक तो स्पेशली मुझे दिखाई दिया है सो यही है जो मुझे दिख रहा है. मैं गोल गोल घुमा के फालतू वीडियो को बड़ा नहीं लंबा नहीं करना चाहती हूँ. यही है लोग जो मुझे दिख रहा है आपको इन्हीं लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज़ डोंट शेयर योर पर्सनल रिलेशनशिप डिटेल्स विद योर फ्रेंड्स स्पेशली अगर आपके कोई दो लड़कियाँ फ्रेंड्स है या यू नो यू आर अ गर्ल एंड यू हैव टू बेस्ट फ्रेंड्स लड़कियाँ प्लीज़ उनसे शेयर मत कीजिए ओके. दे आर डूइंग नो गुड टू यू और योर रिलेशनशिप. वो बस जल रहे हैं आपसे या नेगेटिविटी भेज रहे हैं आपको ओके. अगर लड़के भी हो अपने दोस्तों से शेयर मत कीजिए ओके. एनीवेज चलिए अभी हम लोग आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर टू या कार्ड नंबर टू चूज़ किया है अगर कोई है भी आपके प्यार का दुश्मन तो वो आपका कुछ उखाड़ ना पाए इसके लिए आपको क्या करना है या फिर क्या एडवाइस रहेगी ताकि आपका रिलेशनशिप भी इतना स्ट्रांग बन जाए कि आपको कोई और ज़रूरत ना पड़े. ट्रस्ट या दिस कैन बी द इशू कि आप दोनों में मे बी ट्रस्ट इशूज़ है जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं. सो प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करिए इस रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट करिए. ये रिश्ता लॉन्ग टर्म जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एक दूसरे पे विश्वास करिए जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से शेयर करिए. नेक्स्ट है ओपननेस. आई टोल्ड यू एक दूसरे से बात कीजिए. मे बी आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हो या मे बी यू नो उतने कम्फर्टेबल नहीं हो उतना ओपन कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं हो पाता है जिसके वजह से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं. सो प्लीज़ बी ओपन टू वन अनदर. जो भी है जैसा है आपको लाइफ बितानी है इस पर्सन के साथ तो छुपन छुपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है ओके. एंड सच बोलिए अगर कुछ भी है सच बोलिए. पेशेंस तो इम्पल्सिव मत होइए ओके. किसी की हम कभी कभी फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ हम कभी कभी इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं स्पेशली अगर हमारी बात नहीं हो रही है हमारे पर्सन से तो वी टेंड टू गेट सो इम्पल्सिव कि हम किसी को भी कुछ भी बातें हमारी बताने लगते हैं हमारे रिलेशनशिप की. डोंट डू दैट ओके. हैव पेशेंस इम्प्रूव योर पेशेंस लेवल. अभी मैं इस टैरो से सॉरी इस ओरेकल से स्पेशली देखूंगी हिंट्स मैं आपको दूंगी कि वो कौन हो सकता है जो आपके प्यार का दुश्मन है या हो सकता है. ठीक है ध्यान से देखिए मैं हिंट्स बता रही हूँ आपको बट उससे जाके लड़ने मत लगिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है.
आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो ताकि आपको एक और डिटेल्ड आउटलुक मिल जाए कि कौन है वो पर्सन. मैन होल्डिंग अ कॉइन, दिस कैन बी समवन जिनके साथ आपका कुछ पैसे का लोचा हुआ है, या फिर किसी को आपको किसी से आपको पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं. समवन योर बिजनेस पार्टनर या वर्क सिचुएशन में कोई हो सकता है जो मे बी आपको पसंद भी करता हो. ओके, आपके वर्क स्पेस में तो वो भी नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ रहो. ठीक है, या आपके आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकता है. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी समवन हु इज़ अ गोल्ड डिगर, जो मे बी आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आपके और आपके पर्सन का कट ऑफ हो जाए, पत्ता कट हो जाए. गॉडेस ऑफ द मून, देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिस कैन बी समवन, क्योंकि मून की एनर्जी भी आई थी, दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी सीक्रेटिव. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, ये जल्दी अपने दिल की बात नहीं बताते. हमारे मराठी में उसको बोलते अतलगाठीचा, जो जल्दी उनके दिल की बात होठों पे नहीं आने देते. हमें कभी भी पता नहीं चलता कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, वी नेवर नो. ओके, सो दिस कैन बी समवन हु इज़ वेरी सीक्रेटिव, हु इज़ वेरी मे बी अ सीक्रेट एडमायरर एज आई टोल्ड यू. ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, ओके, यिन एंड यांग. देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, मे बी मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हो, क्योंकि कर्मा भी आया था. आई थिंक मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हो जो एक कार्मिक रिलेशनशिप था, या कह लो इट वॉज अ ट्विन फ्लेम सिचुएशन बट अ कार्मिक सिचुएशन टू. ठीक है, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे शुरुआत से ऐसा फील हो रहा है, यू बोथ आर ऑल्सो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हो. ओके, जो नहीं है उस चीज़ को क्रिएट करते हो, दैट इज़ व्हाट आई सी. तो आप भी अपने प्यार के दुश्मन हो सकते हो दोनों. ठीक है, मैं आपकी ही बात नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज इट. कैसे लगी रीडिंग, कुछ एडवाइस मिली या नहीं मिली? और ब्लैक मैजिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी. हालांकि मैं आपको कहूंगी कि ऐसी चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मुझे इवन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मुझे मेल तक आ रहा है कि इस टॉपिक पे वीडियो कीजिए. डेफिनेटली करूंगी मैं, बट आई वुड टेल यू डू, पहली चीज़ कि इसको इतना सीरियस मत लीजिए ब्लैक मैजिक वगैरह को. और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता. ऑब्वियसली जैसे अच्छी एनर्जीज होती है बुरी एनर्जीज भी होती है, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट. मैं करूँगी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो, बट उसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि वो जनरल रीडिंग होगी, प्लीज़ उसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से लीजिए और गाइडेंस के हिसाब से लीजिए. किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी को बुरा बोलना या किसी को डीमीन करना, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो को देख के कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करो. ठीक है, तो या दिस इज़ इट. कैसी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना. और वो ब्रेसलेट जो मैं फर्स्ट कमेंट में दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो अपने रिश्ते को सेफ रखना, यू कैन बाय इट एंड गिव इट टू योर लव्ड वन. ऑल्सो खुद के लिए भी बाय कर लीजिए, अपने फैमिली के लिए भी बाय कर सकते हो. सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट, बाय.